अच्छा जी, आप लोग देख के कह रहे होंगे कि कितना अच्छा वेदर है, लेकिन दिस वेदर इज़ नॉट एज फ्रेंडली एज इट सीम्स। तो आपको बताता चलूँ कि कनाडा में इस वक्त वाइल्ड फायर स्प्रेड हुई है, काफ़ी 1.5 माह हो गया। तो अब उसकी जो स्मोक है वो नॉर्दर्न अमेरिका में आ गई हुई है, हमारे जो स्टेट है न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी और दीगर जो आसपास वाली हैं काफ़ी कवर हो गई हुई है। तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई जो एयर क्वालिटी इस वक्त है इस हद तक अफेक्ट होगी कि आप जो एक सिगरेट की डब्बी होती है उसकी जो स्मोक होती है ना वो हर घंटे आप इनहेल कर रहे हैं। तो मोस्टली ये जो वाइल्ड फायर्स स्टार्ट होती हैं क्लाइमेट सिचुएशंस की वजह से ही होती हैं, और जो ड्राई वेदर होता है उसकी वजह से काफ़ी सारी लाइटनिंग होती है, वाइल्ड फायर स्टार्ट हो जाती है। तो कनाडा में मोस्टली 85% वाइल्ड फायर्स ये लाइटनिंग की वजह से ही होती हैं। तो न्यू जर्सी जिस रीजन में मैं रहता हूँ उधर इस वक्त जो एयर क्वालिटी है वो है 250 एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए, जो कि आप कह सकते हैं 5 गुना ज़्यादा है, और इट इज़ वेरी अनहेल्दी। और हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एडवाइस भी किया हो कि मास्क पहने और ट्राई करें कि भाई ज़्यादा बाहर ना जाएं, अगर जाना भी है तो मास्क पहन के जाएं, और जिन लोगों को कोई हेल्थ इश्यूज हैं वो तो बिल्कुल भी ना जाए ना। तो ये तो हो गया इधर का। मैंने कहा चलो आप लोगों को बताते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर गुजरांवाला में इस वक्त रियल टाइम 215 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और लाहौर में 192 है, और मोस्टली ये इस तरह ही रहता है उधर। तो वहाँ कोई इस तरह के प्रोसीजर्स नहीं होते। हाँ ठीक है, कुछ लोग मास्क पहनेंगे लेकिन इसको इतना फोकस नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता, लोगों को गाइड नहीं किया जाता, लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता कि अगर वो गाइड नहीं होंगे तो हेल्थ इश्यूज आने ही हैं उधर की आवाम के अंदर।